डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाभ मैच सेक्शन। ठीक है, लाभ मैच सेक्शन। लाभ मैच सेक्शन में देखने से पहले हम ये देखेंगे रिवर्स रिएक्शन कौन सा होता है और फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होता है। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन वो होता है जो बैकवर्ड लुक करता है, जिसमें प्रोडक्ट से आपके पास स्टेटमेंट आते हैं, और फॉरवर्ड वो होता है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आते हैं। अब आज इस डेफिनेशन की तरफ तो आप रेफरेंस पर इसी से बता देंगे। वो कहता है द रेट एंड द सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज। जो रेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मैसेज से, मतलब ये कि जो हम मैसेज ऐड करेंगे, फर्स्ट करेंगे, कोई भी रिएक्शन करवाया तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। हम यहाँ पे रिएक्टेंट की तरह खाते थे, तब रिएक्शन के बदलोगे ना किसी भी चीज की तरह खाते तो उसका एक्टिव मैसेज कराते। तो अगर एक्टिव मैसेज बनाएंगे तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर रिएक्टेंट बढ़ेंगे तो भी रिएक्टेंट रिएक्शन आगे मूव करेगा फॉरवर्ड स्पीड के साथ, अगर प्रोडक्ट आ जाएंगे तो रिवर्स स्पीड के साथ आएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्शन होगा इसका। इसके बाद आपके पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, उसकी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बढ़ाते हैं तो भी रिएक्शन स्पीड में आता है। ठीक है, मतलब इसकी केसी की वैल्यू ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन आती है ना, उसमें ये जो चीज हमारे पास प्रोडक्ट ऊपर होती है और प्रोडक्ट उस केसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद हम मूव करते हैं इसके यूनिट की तरफ। इसका यूनिट ना मतलब हम जो चीज में ऐड करेंगे, जो सी क्वांटिटी ऐड करेंगे उसका यूनिट होगा, वो क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और इसको आप इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना है। हो गया, उसके बाद आ जाए डेरिवेशन की तरफ। हमने रिएक्टेंट लिए ए और बी, प्रोडक्ट में लिया सी और डी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो आपका रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। ठीक है, अब जाहिर सा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को लाने के लिए हम उसका कोएफिशिएंट लगाएंगे फॉरवर्ड रिएक्शन को मान लिया के एफ। ठीक है, के एफ ए बी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी। तो ये आपके पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आ जाएगा। अब रिवर्स रिएक्शन का जो डायरेक्ट हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।